जब ये पीडीएम बनी ही थी तो आपने कहा था पीपल्स पार्टी निकलेगी और सबसे पहले निकलेगी, तो वो तो आगाज हो गया है, ये तो इससे बढ़कर क्या बात हो सकती है? बिलावल कह रहे हैं कि जी हम तो सबूत का इंतजार कर रहे हैं। मौलाना फजल रहमान साहब का जब इस्लामाबाद धरना जा रहा था, आजादी मार्च जा रहा था, उस वक्त भी बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट थी और कोई मानने को तैयार ही नहीं था। तो मैंने आपको बताया था ये टैंटा फिश भी होगी और ये आराम से घर चले जाएंगे, कुछ भी नहीं होगा। फिर जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, आपको पता पीपल्स पार्टी ने सारी ये पीडीएम की मेजबानी की, बनाने में सब कुछ करने में उनका बड़ा अहम रोल था। लेकिन मैंने आपको बहुत पहले इवन के क्वेटा जलसे से पहले ही बता दिया था, बल्कि गुजरांवाला जलसा जो है उस वक्त भी और उससे भी पहले जब बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हो रही थी, जनाब कहते हैं क्या हो जाएगा जनाब की पीडीएम जब आ गई है और लॉन्ग मार्च धरना और पता नहीं क्या कहिए देंगे जनाब और हुकूमत दिसंबर और जनवरी की डेडलाइनें चल रही थी, मैंने आपको कहा था कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस बयानिए के साथ नहीं चलेंगे। मैंने ये भी बताया था कि वो क्वेटा में नहीं जाएंगे। मैंने ये भी बताया था कि उनका पीडीएम की बजाय फोकस जो है गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन है, उनके लिए लीस्ट कंसर्न है। मैंने ये भी बताया था कि ये जो नवाज शरीफ की तकरीर उन्होंने दानिश्ता कराची में नहीं करने दी थी, क्योंकि उन्होंने कहा था जिस तरह अभी आज बात उन्होंने खुल के सामने कर दी कि नवाज शरीफ साहब जो पीडीएम के अंदर ये बात ऐसी कोई नहीं हुई थी, हमने ये कहा था कि किसी इदारे का, किसी इंडिविजुअल का, किसी डिग्निटरी का नाम नहीं लिया जाएगा जी। सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट का लफ्ज अगर आप इस्तेमाल एक स्टीरियोटाइप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन ये बम शेल था उनके लिए जो उन्होंने जिस तरह के ताबड़तोड़ हमारे इदारों के ऊपर हमले किए। मैंने ये भी बताया था जब गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के वाले से एक प्री मीटिंग हुई थी जिसमें आर्मी चीफ और बहुत सारे वुजरा मौजूद थे और जिसकी शेख रशीद साहब ने लीकेज भी की थी और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने उस पर भी नाराजगी का इजहार किया था कि कुछ चीज़ें हमारे नेशनल इंटरेस्ट से रिलेटेड भी होती हैं और उस हवाले से शेख रशीद साहब जो हैं ये जिनके तर्जमान हैं वो इनको रोके कि इस तरह की हमें दुश्मन मुल्क को जो बयानियाँ या नैरेटिव मिले या उनको फ़ायदा मिले वो चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए, इनको भी नहीं करनी चाहिए थी। उसमें यह भी मैंने बताया था कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने वुजरा की बजाय उन्होंने कहा था कि फ्री एंड फेयर जो इलेक्शन है गिलगित बल्तिस्तान का, इसके लिए गारंटी उन्होंने उस वक्त जो वहाँ पर मौजूद भी थे आर्मी चीफ के अलावा डी जी आई एस आई जनरल फैज हमीद जो लेफ्टिनेंट जनरल, उससे उनका कि ये अगर गारंटी करते हैं तो हमें इन पे एतमाद है कि हमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है ये उसकी शोटी दे। हुकूमती वुजरा से उन्होंने नहीं मांगी थी। मैं दोबारा आपके पास आज जो बातें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जिस तरह आपने बताया उन्हें एक लाइन ड्रा कर दी है कि जो मुल्की सलामती, मुल्क के इंटरेस्ट, मुल्की मफाद और मुल्की इदारों के खिलाफ जो भी बयानियां है वो उसके साथ किसी सूरत चलने को तैयार नहीं है। अच्छा, अब दो बड़े सवाल हैं ये बाबर डोगर साहब, एक ये कि अब क्यों कराची का जलसा, उससे पहले गुजरांवाला का जलसा, कोयटा का जलसा, अब आकर बिलावल क्यों? क्या ये गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन की वजह से? क्या मरियम और बिलावल वहां पर तो मुखालिफ हैं उन इलेक्शंस में? और दूसरी बात यह कि जुबैर साहब ने जो बयान दिया है वो कितना अजीबो गरीबो, कह रहे हैं जी ये कोई अदालत है कि हम सबूत दें? इसका मतलब है कि आप जलसे करें और पाकिस्तान के इदारों, उनके सरबरा यानी वो अदालतें हों, वो कोई और इदारा हो, फौज हो, उसके खिलाफ आप बोलते चले जाएं और ये कह जी ये किया इसने, ये किया, सबूत की जरूरत नहीं है, ये तो कमाल है। तो वो बात करते हैं। इसके अलावा एक और बड़ी डेवलपमेंट है जो आपने इग्नोर की है, ये जो पीएमएलएन के प्रेसिडेंट हैं अब्दुल कादिर ब्रोच साहब, जो बलूचिस्तान के, जिन्होंने रिजाइन, उन्होंने कहा कि वो रिजाइन कर रहे हैं जी जी। आप आज जो बड़ी डेवलपमेंट है जिसको आप इस तरह से डिस्कस नहीं कर रहे वो है कि बिलावल ने उनसे राबता किया है। ये अब्दुल कादिर बलोच ने कहा है कि मुझे बिलावल ने राबता किया है और मुझे ऑफर किया है कि आप पीपल पार्टी को ज्वाइन करें। वो बंदा जो नजरियाती तौर पर पीएमएलएन से इख्तलाफ करके, उसकी पॉलिसी से इख्तलाफ करके रिजाइन कर रहा है, उसको बिलावल कह रहे हैं जो पीएम का हिस्सा है, वो ये कह रहे हैं कि तुम हमारी पार्टी ज्वाइन करो, वो जहरी से भी कह रहे हैं कि तुम भी हमारी पार्टी ज्वाइन करो। तो सर ये तो एक लड़ाई स्टार्ट हो चुकी है। तो बिलावल जो है, अब इसकी आगे डेवलपमेंट देखेंगे। पीएमएलएन पंजाब में जो लोग इसमें मरियम ने तो बड़ा क्लियरली कह दिया, उन्होंने कह दिया कि वो लोग जो हमारे बयानिए का वजन नहीं उठा सकते वो हमसे अलहदा हो जाए। उन्होंने पार्टी की लिस्टें भी मंगवा ली कि वो लोग जो हमारे बयानिए के साथ नहीं चल रहे उनकी लिस्टें भी बनवा ली। इस पर हमने आगे अब मुझे एक बात बताएं कि बिलावल जो है उनकी नजरें पंजाब पर हैं,
वो पंजाब पर नजर गाड़ कर बैठे हुए हैं कि जो जो लोग पीएमएलएन से अलहदा हो रहे हैं उनको अपने साथ उनको अपने साथ मिलाएं, उनको अपने साथ लेके चलें। ठीक, इस चीज की इत्तदा उन्होंने अब्दुल कादर बलोच साहब से कर दी है, सनाउल्लाह ज़हरी से कर दी है कि उन्होंने उन्होंने खुद कहा अब्दुल कादर बलोच ने कि मुझे बिलावल का फोन आया है, वो हमारे वो उन्होंने मुझसे राबता किया और उन्होंने मुझे ऑफर किया है कि आप ये पार्टी को ज्वाइन कर लें। अब आप देखें कि एक तरफ पी पार्टी पीडीएम का हिस्सा है, एक तरफ बिलावल साहब जो है वो ये कह रहे हैं कि नवाशी साहब ने जिन फौजियों के नाम लिए, जिन जनरल्स के नाम लिए उन्होंने हमसे मशवरा नहीं किया था, ये पीडीएम के एजेंडे का हिस्सा नहीं है नहीं और वो सबूत है, मैं सबूतों का इंतजार कर रहा हूँ। ठीक, दूसरी तरफ वो पीडीएम के अंदर रहते हुए पीएमएलएन के बंदे तोड़ रहे हैं। तो सर ये एक बिलावल अपने पत्ते बड़े ध्यान से, जबकि सरदारी सब कह चुके हैं बलूचिस्तान में हुकूमत जब गिराई हुई थी तो वो इसको ओन करते थे कि हमने गिराई, और तो ये तो वो काम बिलावल फिर बड़ी अच्छे तरीके से कर रहे हैं बलूचिस्तान की हुकूमत गिराने में। आपको मैं बताता हूँ, डोगर साहब ने जो बात की है ना, ये जस्ट टिप ऑफ आइसबर्ग है, थोड़ा सा आगे मैं करता हूँ। डोगर साहब जो आपने बात की है ना, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने रब्ता किया है, अब्दुल कादर बलोच साहब जो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड है और जो वफाकी वजीर भी थे, नवाज शरीफ साहब के करीबी साथियों में भी शुमार उनका होता था, और बलूचिस्तान के हवाले से ओवरऑल मुल्की पॉलिटिक्स के हवाले से उनका एक नाम है, उनका एक यानी स्टेचर है। उन्होंने पहले वाया वाया बिलावल भुट्टो जरदारी और जरदारी साहब के उनके साथियों ने कहा कि वो आप लिए तैयार बैठे। अब आप बाजार समझे, इससे आगे मैं आपको बता रहा हूँ। नंबर एक, सनाउल्लाह ज़हरी साहब जो हैं वो आपको पता है वजीर आला भी इनके थे जी, और उसको बचा नहीं सके जब अदम-ए-एतमाद हुई और उस सारा सेनेट का इलेक्शन जो हुआ। सनाउल्लाह ज़हरी साहब सूबाई सदर है, क्वेटा में जब पीडीएम का जलसा हुआ तो चूंकि जो मैंगल साहब अख्तर मैंगल साहब वो मेज़बान थे और इनकी आपस में उसके मेज़बानी के डर की वजह से पीएमएलएन ने अपने सूबाई सदर जो है सनाउल्लाह ज़हरी साहब को नहीं बुलाया। अगली बात हम, अगर उनको बुलाते भी उन्होंने नहीं आना था साहब, अब्दुल कादर बलोच साहब ने तो बड़ा क्लियरली कह दिया है, उन्होंने कहा ज़हरी का एक इश्यू था लेकिन जो जो रिजाइन कर रहे हैं वो बुनियादी और इस नजरिए के खिलाफ कर रहे हैं, वो इससे इख्तिलाफ रखते हैं, फौज में जिंदगी गुजारी है, वो उसके खिलाफ कोई साजिश बर्दाश्त नहीं कर सकते। अच्छा, और बहुत से लोग हैं खैबर पख्तूनख्वा, अब्दुल कयूम साहब आप पता है नून लीग को डिफेंड करते हुए टॉक शो में सबसे आगे होते थे, जी जी सबसे अमल, बड़े अच्छे बड़े तहमुल मिजाज, अब अगर वो अलहदा हो जाए वो भी कहना फिर ना कहना आप पता चला। अच्छा, उसके बाद आगे अगर राजा जफरुल हक साहब पार्टी के चेयरमैन है, नहीं नहीं अगर वो भी इस जानिए के साथ ना हुआ तो फिर ना कहना आप पता चला, वो तो सेनेट में भी हैं हमेशा से साथ रहे हैं। अच्छा, आगे सुनते जाएं, अभी केपीके में जिस तरह चमकनी साहब जो हैं उनका नाम फिर इंतखाब चमकनी, हाँ जी इंतखाब चमकनी, इंतखाब चमकनी साहब वो गालबन नायब सदर है, सीनियर नायब सदर, सीनियर नायब सदर है और दो नायब सदूर और वुमन विंग की हेड, जी जी वो उन्होंने आप एक दो दिन पहले उन्होंने जिस तरह अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सारी बात तो आ गई, उन्होंने कहा शौदा से गद्दारी है हमारे गालिब से गद्दारी है जो नवाज की है। उसके बाद निशात डहा साहब, ओपन अशरफ इंसारी साहब, मियां जलील अहमद शरकपुरी साहब, वैसे उनकी बहादुरी को दाद है सबसे पहले, छोटी सी मरियम साहब पार्टी का मेरी बात हुई, ये तो हम पूरी वो ये कहते हैं कि इस पार्टी का बेड़ा गर्क करने में, पीएमएलएन को तबाह करने में 90% रोल मरियम का है। पीएमएलएन की गवर्नमेंट थी जब ये आई हैं, जब से ये प्राइम मिनिस्टर हाउस में जाके बैठी हैं उस तब से दिन से उस गवर्नमेंट की तबाही स्टार्ट उस दिन से ही। डॉन लीक्स देख लें, जितने बड़े इश्यूज हैं उन सब में जिनकी वजह से पीएमएलएन की गवर्नमेंट खत्म हुई, जिसकी वजह से नवाज जी प्राइम मिनिस्टर हाउस से निकले, उन तमाम की मास्टरमाइंड मरियम नवाज थी। अभी भी पीएमएलएन के पास जो बचा हुआ था, जो थोड़ा बहुत बचा हुआ था उसको भी तबाह करने में, बेड़ा गर्क करने में मरियम का। अच्छा, इस पर आगे आते हैं कि कैसे वो ये जो आप कह रहे हैं इसको बेड़ा गर्क करना है, वो क्या बयानियां बना रही हैं, वो एक मजबूत जमात खड़ी कर रही हैं, एक आईनी नजरियाती जमात खड़ी कर रही हैं। सर इस पर आते हैं, मुझे अगली हमने टॉपिक जो है ये डिस्कस करना है, लेकिन जो बिलावल और मरियम के हवाले से जिस तरह कराची में देखा गया, मरियम ने कहा कि बिलावल और मरियम भाई बहन भाई, तो वो अब ये दोबारा काम खराब हो रहा है, ये क्या हो गया? ये सिर्फ देखें, मरियम बड़ी तेजी से अपनी तरह से बड़ी चालाकी से वो गैलरी के साथ खेलती हैं,
उन्होंने कहा कि बिलावल से कहा कि आप मेरे भाई हैं और माजी में भी हम ये लैंग्वेज यूज करेंगे, ये नहीं करेंगे। बिलावल खामोश रहे, बिलावल ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। आप कराची का जलसा उठा के देख लें, बिलावल खामोश रहे। तो ये गलत इसी तरह से ये इंप्रेशन देने के लिए कि शायद के जनाब शीनली का कोई तो वजूद नहीं है, वो खुद ही पहुंच गई वहां पर। उन्होंने दोनों को जनाब ये मैसेज देने के लिए कि जनाब हम एक हैं, एक नहीं है।